नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सोमवार को राज्यसभा में हंगामा और आसन के निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर वर्तमान मॉनसून सत्र की शेष अवधि तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब संजय सिंह को सदन से निलंबित करने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस मामले पर निशाना साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि ये सच में कलयुग है, जब धृतराष्ट्र संजय तक को दरबार से निष्कासित कर दे रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के अधिकांश सांसद मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे और इस दौरान विपक्ष का कहना था कि प्रश्नकाल समेत राज्यसभा की सारी कार्रवाई को रद्द करते हुए सर्वप्रथम मणिपुर हिंसा पर विस्तार से चर्चा की जाए। वहीं भारी हंगामे के बीच सभापति ने राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू कराया। इसी बीच प्रश्नकाल के अविचार उत्तर ही दिए जा सके थे कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर आप सांसद संजय सिंह नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के समीप जा पहुंचे। वहीं सभापति द्वारा चेतावनी देने के बावजूद संजय सिंह अपने स्थान पर नहीं गए और मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराए जाने की मांग और नारेबाजी करते रहे। इस बीच नेता सदन पीयूष गोयल ने सभापति से निवेदन किया कि संजय सिंह को उनके इस व्यवहार के लिए सदन से निलंबित कर दिया जाए। गोयल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी सभापति को दिया है। राज्यसभा के सभापति ने इस प्रस्ताव पर सदन के सदस्यों की राय लेने के बाद संजय सिंह को शेष बचे मॉनसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया है।